नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा कुछ जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 25 जुलाई 2022 सोमवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज के इस पंचांग में हम बात करेंगे क्या विशेष रहने वाला है, शुभ समय अशुभ समय, चंद्र और सूर्य से संबंधित गणनाएं, दिशाशूल यानी किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन सी राशियां शुभ रहेंगी, जो भी जब तक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर, जन्म राशि और जन्म पाए को लेकर। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। आइए सबसे पहले पंचांग शुरू करने से पहले हम जानते हैं आज के दिन क्या विशेष रहने वाला है। आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि दोनों योग रहेंगे, जो कि सुबह 5:42 से लेकर और अगले दिन सुबह 1:06 तक रहने वाले हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। और अगर हम बात करें अमृत सिद्धि योग, दोनों ही योग शुभ योगों की गिनती में आते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हम इन योगों में शुरू कर सकते हैं। आज प्रदोष व्रत भी है। आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद रहने वाली है। शुरुआत करते हैं पंचांग की। बार सोमवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, माह श्रावण माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी तिथि, नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, योग ध्रुव योग, करण की बात करें तैतृ करण जो कि 4:16 तक रहेगा, उसके बाद गर करण प्रारंभ होगा। आइए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित करना। सूर्योदय प्रातः 5:42, सूर्यास्त 7:12। सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क के जो स्वामी हैं वे चंद्रदेव माने गए। चंद्रोदय सुबह 2:24, चंद्रास्त की बात करें 7:57। चंद्र राशि की हम बात करें तो सुबह 11:33 तक चंद्रदेव अपनी उच्च की राशि वृष राशि में रहेंगे, उसके बाद वे मिथुन राशि में संचार करेंगे। मिथुन के जो स्वामी हैं वे बुध देव हैं और वृष के जो स्वामी हैं शुक्रदेव माने गए। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से सुबह 4:54 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में अपने इष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, मंत्र सिद्धि स्वयं सिद्धि हम कर सकते। बात करें अभिजीत को लेकर, यानी आज कोई भी हम लोग कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहें और शुभ लग्नानुसार शुभ चौकड़ियाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने उस कार्य को अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। दोपहर 12:00 से लेकर और 12:54 तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं दिन के चौकड़िये की। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्योदय से लेकर अमृत का चौकड़िया, सुबह 5:42 से सुबह 7:24 शुभ समय है। अमृत के बाद काल 7:24 से 9:05 अशुभ चौकड़िया है। काल के बाद शुभ 9:05 से 10:46 शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 10:46 से दोपहर 12:27 अशुभ चौकड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 12:27 से दोपहर 2:08 उद्वेग का चौकड़िया भी अशुभ है। उद्वेग के बाद चर 2:08 से 3:49 चर का चौकड़िया सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 3:49 से 5:31 शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 5:31 से लेकर और 7:12 तक अमृत का चौकड़िया रहेगा जो कि शुभ है। इन सभी चौकड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत यानी कि तीनों समय शुभ माने गए हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए हम इन चौकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय राहुकाल और गुलिक काल की। ज्योतिष शास्त्र में दोनों समय को अशुभ माना गया। राहुकाल सुबह 7:00 से लेकर 9:00 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2:00 से लेकर 3:30 तक रहेगा। राहुकाल के अंदर कोई भी शुभ यात्रा या कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। बात करें दिशाशूल यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा ना करें, तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। फिर भी जब तक अगर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार करें, यानी आज के दिन यात्रा से पहले दूध का सेवन अवश्य करें। बात करते हैं आज के चंद्रबल की, यानी कौन कौन सी राशियां शुभ रहेंगी। आज चंद्रदेव सुबह 11:33 पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 11:33 तक जो राशियां शुभ हैं वे हैं वृष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। सुबह 11:33 के बाद में जो राशियां शुभ हैं वे हैं मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मकर राशि। आइए अब हम बात करें आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामक्षर और जन्म पाएगी। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे सुबह 11:33 तक उनकी वृष राशि, उसके बाद उत्पन्न हुए जातकों की मिथुन राशि। और अगर हम बात करें यहाँ पर नामक्षर को लेकर तो नामक्षर रहेंगे वो, क, वी। जन्म पाई की बात करें तो इनका सभी का स्वर्ण का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।